हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का 6th चैप्टर, विच इज कम्बशन एंड फ्लेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्बशन। कम्बशन किसे कहते हैं? देखो, कम्बशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन किस में? सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट इवॉल्व होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्बशन। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कम्बशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। कम्बस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी कहते हैं। और जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल की एग्जांपल्स वुड, चारकोल, लिक्विड फ्यूल पेट्रोल, डीजल, और गैशियस फ्यूल एलपीजी, सीएनजी। ओके, देखो अभी तक हमने जो कम्बशन की डेफिनेशन में पढ़ा है वो क्या है कि सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन। कम्बशन के दौरान लाइट एनर्जी भी कई बार एमिट होती है, ठीक है? और वो लाइट एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगी? या तो फ्लेम की फॉर्म में। फ्लेम क्या है? लपट, आग की लपटें उठती है ना। तो या तो फ्लेम की फॉर्म में जो लाइट है वो एमिट होगी, या फिर ग्लो की फॉर्म में, यानी जब कोई चीज चमकती है तो क्या होता है, लाइट एनर्जी एमिट होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम चारकोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो कैसे बर्न होता है? ग्लो करके। तो जब वो ग्लो करता है तो लाइट एनर्जी एमिट होती है। ओके, तो लाइट एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में एमिट हो सकती है, या तो फ्लेम की फॉर्म में या फिर ग्लो की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट इज कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। ये तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न करें और हीट और लाइट का प्रोडक्शन करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुड, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, तो ये सारे क्या हैं? कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जो एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और हीट और लाइट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, विच इज एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए जो एयर है वो असेंशियल है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में एक लाइटेड कैंडल को लेना है, ग्लास चिमनी लेनी है और कुछ वुडन ब्लॉक्स को लेना है और उन्हें टेबल के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है? और इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर फिर चिमनी को प्लेस करना है और चिमनी के अंदर है हमारी लाइटेड कैंडल, ठीक है? ये तो था केस 1 का सेटअप। और दूसरे केस में अगर जाएं तो वहां पर भी हमें एक लाइटेड कैंडल ही लेनी है, ग्लास चिमनी लेनी है, लेकिन यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स नहीं लेने, यहाँ पर हम डायरेक्ट ग्लास चिमनी को टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है? थर्ड केस में क्या है, ग्लास चिमनी है, लाइटेड कैंडल लेनी है, वुडन ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ग्लास चिमनी के ऊपर प्लेस करेंगे एक ग्लास प्लेट, ठीक है? और फिर देखेंगे कि तीनों केसेस में क्या हुआ, क्या जो लाइटेड कैंडल है वो बर्न करती रही या फिर एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। फर्स्ट केस में जो कैंडल है वो बर्न करती रही, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो चिमनी के नीचे से एंटर कर रही है। सेकेंड केस में क्या हुआ, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब चिमनी के नीचे से एयर एंटर नहीं कर रही तो फ्लेम क्या करेगी, फ्लिकर करेगी, फ्लेम के अंदर जो है झिलमिलाहट होगी और स्मोक का प्रोडक्शन होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लेम पहले फ्लिकर करेगी एंड देन स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है? थर्ड केस में क्या हुआ, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, जो फ्लेम है वो बुझ जाती है बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि एयर जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्लास चिमनी के ऊपर हमने प्लेस करी है ग्लास प्लेट, ठीक है? क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई द पर्सन हु कैचेस फायर शुड बी मेड कवर्ड बाय ब्लैंकेट। जब किसी पर्सन को फायर कैच करती है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? बिकॉज ब्लैंकेट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि ब्लैंकेट क्या करता है, एयर की सप्लाई को कट कर देता है। और हम जानते हैं कि कंबशन के लिए तो एयर बहुत ही जरूरी है, तो जब एयर ही नहीं होगी तो फायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर जरूर होगा। अब इग्निशन टेम्परेचर कहते किसे हैं? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, सबसे कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस फायर को कैच करे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। एक बार और रिविजन करते हैं, सबसे कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस फायर को कैच करे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कहता है कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक फायर को कैच नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है। जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक रीच कर गया तो वो सब्सटेंस ऑटोमेटिकली फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर हमें केरोसिन ऑयल को बर्न करना है तो हम उसे लाइटेड मैचस्टिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वुड को बर्न करना है तो क्या हम उसे लाइटेड मैचस्टिक की हेल्प से बर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है। इग्निशन टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है? बस थोड़ी सी हीट एनर्जी केरोसिन ऑयल को सप्लाई करो, केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा और वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम वुड की बात करें, उसका इग्निशन टेम्परेचर है ज़्यादा, तो उसके इग्निशन टेम्परेचर को रीच करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, जो कि एक लाइटेड मैचस्टिक नहीं दे पाएगी, तो इसी वजह से वुड बर्न नहीं करती। ओके, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है और वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पॉइंट में डिस्कस किया, जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम वो आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, LPG, तो ये सारे क्या हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर शीट की हेल्प से हमें टू पेपर कप्स बनाने हैं। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स, एक कप के अंदर हमें 50 ml वाटर को ऐड करना है। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल, दोनों ही कप्स को अलग अलग हमें हीट करना है कैंडल की हेल्प से। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिस पेपर कप के अंदर पानी है, जब हम उस पेपर कप को हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो जो हीट है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी पानी को, किस प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। तो इसी वजह से क्या होगा, जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो पेपर से आगे पानी में ट्रांसफर हो गई, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं करेगा। लेकिन हम अगर दूसरे पेपर कप को, जिसके अंदर पानी नहीं है, उसे हीट ट्रांसफर करें तो क्या होगा, अब जो हीट है वो सिर्फ पेपर कप को ही जा रही है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा और वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक भी जरूर करें.